नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविचल और मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक और रेशम कितने प्रकार के होते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम पता करते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे, जो रेशे एनवायरनमेंट से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। कृत्रिम रेशे यानी मैन मेड रेशे, जो इंसान खुद बनाता है। जो रेशे पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम आदि, उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशे, जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है उसे संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकोट आदि। रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जो बहुलक कहलाती है। इसे पॉलीमर भी कहते हैं। कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है, जो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है, जिसे कास्ट लुगदी के रसायन उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन कोई कपास के साथ मिलाकर बिस्तर में चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है, जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जा सकते हैं। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिएस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है, इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एक्रेलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है, जो ऊन से जैसा दिखाई देता है लेकिन यह कृत्रिम ऊन है, मतलब मैन मेड ऊन। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, यह शीघ्र सूखते हैं, यह अधिक चलते होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, इनका रखरखाव सुविधाजनक होता है। प्लास्टिक, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसके पुनः चक्रण भी हो सकता है। थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण, पॉलीथीन और पीवीसी आदि। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो आज हम बेकेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। बेकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। मेलेमाइन, मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है, जो इसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है,
इसलिए बिजली की तार पर प्लास्टिक चढ़ा होता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊष्मा भोजन को पका तो देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती। पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। 4 R जो पर्यावरण हितैषी हैं, उपयोग कम करें रेड्यूस, पुनः उपयोग करें रीयूज, पुनः चक्रण करें रिसाइकल, पुनः प्राप्ति करें रिकवर। इसका मतलब है कि हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें और अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसको बारी बारी यूज़ करें, दोबारा से यूज़ करें। अगर हमने उसको यूज़ कर लिया है तो हम उसको अब रिसाइकल करें और आखिर में हम उसे रिकवर करें। तो दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे इस चैनल को देखने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ आखिरी में जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।